एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है, हम एमवीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। वहीं खबरें ये भी चल रही हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से बाजी पलट सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है। इसकी वजह है प्रमुख विपक्षी दल एनसीपी में फूट पड़ना। एनसीपी के दिग्गज नेता और पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एक बार फिर से अलग राह पकड़ ली है। उन्होंने अब एनडीए का दामन थाम लिया है। अजीत ने दावा किया है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन भी है। इसके बाद उन्हें बीजेपी शिंदे गठबंधन वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अजीत पहले भी ऐसा कर चुके हैं, जब उन्होंने अपने चाचा से बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी, तब भी उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। अब एक बार फिर से अजीत के इस बगावत से महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया है। अजीत पवार पर शरद पवार ने कहा है, मुझे ठीक से नहीं पता कि विधायकों की बैठक क्यों बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते अजीत पवार को विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है। वह ऐसा नियमित रूप से करते हैं। मुझे इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। विधायकों का फैसला अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। अजीत पवार के एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है, उन्हें अपने तरीके से चलने दो, क्योंकि मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो मजबूत हैं और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। वो उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनः निर्माण करेंगे। लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीत पवार की बगावत के बाद अब शरद पवार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि शरद पवार आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। कयास ये भी है कि शरद पवार महाराष्ट्र में फिर बाजी पलट सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।